बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटिंग है, ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से ये भाई जो हैं हॉट एंड क्रिस्पी चिकन तैयार हो रही है यहाँ पे फ्राइज में। इको की बरसात है और हम इसके ऊपर अपना एक तरीके से ड्रोन चलाते हैं। अच्छा, इनका मैं तीसरी चौथी दफ़ा यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, ये माशाल्लाह अंडे वाला बर्गर है, बहुत ही यम्मी और जूसी सा है। मुझे तो चलें इनसे बात करते हैं कि टिक्के खा के हम कैसे पाकिस्तान मनाएंगे। हमें पता लगा है कि आज़ाद साहब जिनके नाम पे ये रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह वो खुद मौजूद हैं यहाँ पे, इनके साहबजादे हैं और इनके नाम पे ये रेस्टोरेंट है। अस्सलामुअलैकुम, आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये माशाल्लाह बहुत ही इंट्रेंस है यहाँ पे आज़ाद बर्गर की, यहाँ पे ये रिजर्वेशन भी कह सकते हैं आपको, कैश काउंटर भी कह सकते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है यहाँ पे, जो भी आपकी बिलिंग होती है वो प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से स्लिप भी आपको मिलेगी और सारे मेन्यू जो है प्रिंटेड मेन्यू है, मतलब एक स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया हुआ है सारी चीज़ें ऑर्डरिंग वगैरह का। आज़ाद बर्गर एंड बारबेक्यू, ये इनका नाम जैसे जो लोग हैं, और ये इनके जो वर्कर्स हैं आप देख सकते हैं, ये हेयर नेट का तमाम इस्तेमाल किया हुआ है, काफ़ी हाइजीनिक सिचुएशन है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है स्टैंडर्ड। ये सारे ये देखिए तमाम ही लोग जो है वो कवर्ड हेड्स, और सफाई का भी अच्छा निज़ाम है। ये देखिए ये बिरयानी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटिंग है, ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से ये भाई जो हैं ये जिंगर बर्गर तैयार हो रहे हैं, और साथ साथ ये जो चिप्स है फ्रेंच फ्राइज ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह ये जी, और बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ पे एम ई बी के, ये आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी को भी ख्याल रखा गया है और हेयरनेट यूज़ हो रहे हैं सब जगह, ये देखें आप, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हॉट एंड क्रिस्पी चिकन तैयार हो रही है यहाँ पे फ्राइज में। ये जी ये इनका ब्रोस्ट है यहाँ पे आज़ाद बर्गर का, तैयार हो रहा है मज़ेदार का। ये जी माशाल्लाह इनका स्टाफ है बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्किल्ड स्टाफ है और इनके हाथों में ही जायका है, ये सारे जायकेमंद अफराद हैं। ये हमारे माशाल्लाह हजरत जो है वो देख सकते हैं आप पराठे ही बना रहे हैं, और ये जी माशाल्लाह ये देख सकते हैं ये टिक्के टिक्के ये टिक्के ये ये देखिए जी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, ये साफ सुथरा पूरा स्टेनलेस स्टील इन्होंने मेंटेन किया हुआ है तमाम इक्विपमेंट को, और ये जो है ये कवर्ड है, ये सारी चीज़ें इन्होंने जिसको पे लगा के रेडी टू प्रिपेयर हैं और ये पूरा कवर्ड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है भाई हमारे पूरी पराठे बना रहे हैं,
माशाल्लाह अंडे वाला बर्गर है, बहुत ही यम्मी और जूसी सा है। मुझे तो अभी से भूख लग गई है इसको देख के। ये देखिए ये कौन सा रोल है, चिकन रोल। चिकन रोल बनेगा ये चिकन रोल बना रहे हैं। ये देखिए इसमें बेहतरीन की देखिए, इसमें ये इन्होंने रायता और ये बारबेक्यू जो है बहुत ही वगैरह डाले हैं, बहुत ही स्पाइसी और यम्मी सा है। ये इनका स्पेशल रेसिपी का जो रायता है वो यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही यम्मी एक लुक आ रहा है इसका जो है, और बहुत अच्छी है। सेटिंग का भी यहाँ पे बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे अगर आप देखें नज़र आ रहा हो तो उस साइड पे जो पार्टीशन है वहाँ पे फैमिली एरिया है। जी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा 7 साल से काम कर रहा हूँ। सही वीआईपी तनख्वाह है, जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त। हमारे सेठ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बोतल के पैसे लेते हैं। अच्छा खाना खरीद लेते हैं। इन भाई से पूछते हैं, मेरा ख्याल है अभी माशाल्लाह इन्होंने ब्रोस्ट यहाँ पे जो है टेस्ट किया है तो पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका दोस्त? अच्छा अभी आपने यहाँ पे क्या ट्राई किया है, क्या खा रहे हैं? चिकन ब्रोस्ट आपने खाया है, ठीक है, तो कैसे लगा, आप रिव्यू देंगे इसका थोड़ा सा? जबरदस्त। अच्छा पहली दफ़ा इधर कहीं मबाद से आए हो? जी कहीं मबाद से आए हो पहली दफ़ा? अच्छा जी, तो आज इधर रोस्ट का है, बड़ा ज़बरदस्त आएंगे। चलें अच्छी बात, इंशाल्लाह कोशिश है कि हर हफ्ते आएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये आज़ाद बर्गर एंड बारबेक्यू के जो करता करता है माशाल्लाह जो ऑनर हैं और यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट को देख रहे हैं, उनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मालूम करते हैं कि आज़ाद बर्गर की क्या हिस्ट्री है और क्या स्पेशल रेसिपी है इनकी जो ऑफ़र कर रहे हैं और जो टेस्ट डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, इस बारे में थोड़ी सी इनसे बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे सर? आज़ाद बर्गर एंड बारबेक्यू जी। अच्छा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है आपकी और आगाज़ कब से किया यहाँ पे और क्या आपने किस तरह की डेवलपमेंट की? सबसे पहले बर्गर लगाया था यहाँ पे इस इलाके में, आगे बर्गर ठेला लगाया था, जिससे कि करते करते अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बर्गर के बाद में मैंने बाजू लगाया और ठेले से मैंने की तो अभी यहाँ तक माशाल्लाह पहुँच गए, इंशाल्लाह मैं और मेहनत कर रहा हूँ और इसमें तमाम डीलर वगैरह बड़े दूर दूर से लोग हमारे पास खाने के लिए, हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह का, और जिससे कि हमारे काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं। सही, तो मैं मजीद कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छा बनाने की और ऊपर फैमिली और बना बनाए, फैमिली और बना हुआ है, यानी कि एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं और मजीद आप इसमें बढ़ा पा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, मेरा काम यही है, तो मैं चाहता हूँ इसको आगे लेवल पर ले जाऊँ इंशाल्लाह। इसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ हमारा आज चीज़
रुपया फंस जा रहा हूँ, अच्छा जा रहा है, आवाज़ कस्टमर वहाँ से खुशी है और लाके के हिसाब से। अच्छा, इस चैनल के जो व्यूवर्स हैं अगर वो देख रहे होंगे शायद, तो अगर वो यहाँ आना चाहें अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, तो आप यहाँ बिल्कुल के लिए फैमिली का सिस्टम बना हमारे पास। अभी मैं सीधे एक फैमिली वो एक और बना रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने छोटा बनाया था, बड़ा किया, अभी अब इंशाल्लाह में। और डिलीवरी सिस्टम भी आपके पास कोई? नहीं, डिलीवरी सिस्टम नहीं, क्योंकि हमारे पास जैसे रेस्टोरेंट में अभी चल पड़ा है ये फूड पांडा हो गया और सारा जो सर्विसेज हैं जो दे रही हैं। जी हाँ, वो मेरे पास सब आए थे, मेरे को बोला था, लेकिन मैंने बता नहीं, मैं कवर नहीं कर सकता। सही, क्योंकि मैं हम चार भाई हैं। सही, इसके बाद तो कवर कर रहे हैं। सही, तो हम डिलीवरी इसलिए लगाया कि हमारे पास काम इतना ज़्यादा काम उसको कवर नहीं करता, तो इतना करने जितना हम अपना काम करें कवर कर। अच्छा, वैसे तो सारी प्रोडक्ट या सारी चीज़ें ये अपने बच्चों की तरह होती हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आना चाहे या कोई भी दोस्त है बाप, तो आप उसको कौन सा अपनी जो आइटम है वो रिकमेंड करेंगे कि वो खाए और यहाँ पे टेस्ट करें, स्पेशल कोई सी चीज़? हमारे पास आइटम तो सब ही अच्छे हैं, लेकिन तो हम मलाई टिक्का खिलाते हैं उनको, या फिर रुकन टिक्का खिलाते हैं, या हमारा जो फर्स्ट है ऑनर जो है पहले जो जिससे हमने स्टार्ट किए बर्गर पर लेके आते हैं। ठीक है, अगर उनको ये चीज़ लेके वो देखते हैं, वो दूसरी चीज़ करते हैं, तो जो खाई जाते हैं हमें कहते हैं यार हमें अच्छा लगा, टेस्ट है ये वो सब मतलब अच्छी हो। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया और हमें अपना रेस्टोरेंट विजिट कराने का मौका दिया, बहुत। अच्छा, ये सरप्राइजिंगली हमें पता लगा है कि आज़ाद साहब जिनके नाम पे ये रेस्टोरेंट है माशाल्लाह वो खुद मौजूद हैं यहाँ पे, इनके साहिबजादे हैं और इनके नाम पे ये रेस्टोरेंट है। तो चले, और आज मेरे ख्याल है ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज़ाद भाई? खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी हमें पता लगा कि आज आप खुद आए हैं, तो हमने कहा थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम आज अपने दोस्तों के साथ आए, तो ये मेरा अपना रेस्टोरेंट है सर, उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, पिछली बार उनको मैं लाया था, उनको बहुत अच्छा लगा, दोबारा आए माशाल्लाह नाजमा बाहर से भाई आए, दोबारा यहाँ पर आए, उन्होंने बोला आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसलिए भाई दोबारा मैं सुन रहा, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगे, कहते हैं जाना है तो आपके रेस्टोरेंट भी जाना है। सही, उनको और भी सजेशन दिए लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, बोलते आपके रेस्टोरेंट भी जाना है, तो उनको मैं इनके साथ आ जाऊँ। आ पहले अच्छी बात है, तो आप लोग नाजाबाद देखे जी, आप व्यूअर्स देख रहे हो, तो नाजाबाद नॉर्थ का नॉर्थ साइड से भी यहाँ पे ईस्ट कोरंगी जो है वो ईस्ट साइड कहलाता है, यहाँ पे जैसे कि भाई का अपना रेस्टोरेंट इन्होंने रिकमेंड किया और आज सब यहाँ पे आए हुए हैं, और यकीन इनकी रेसिपीज जो आपको मैंने थोड़ी रिव्यूज़ कराई हैं वो पता लग रही होंगी किस तरह इसका जायका है और क्या प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है, तो उनकी विश कहते हैं कि इंशाल्लाह इनका जो डिनर है बहुत अच्छा हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक ग्रुप दिख रहा है और माशाल्लाह यंगस्टर बैठे हैं यहाँ पे, हमारे जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, कामयाब नौजवान पाकिस्तान, तो चलें इनसे बात करते हैं कि टिक्के खा के हम कैसे पाकिस्तान मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, इन भाई से आप ज़रा बिजी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कैसे हैं, कहाँ से हैं आप लोग? जी कायदाबाद से हैं आप, यहाँ कोरंगी क्रॉसिंग पे माशाल्लाह तकरीबन कोई 15 किलोमीटर या ऐसी कुछ 20 किलोमीटर रास्ता है। अच्छी बात है, तो कैसे पता लगा इस रेस्टोरेंट का और क्या आप खा रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे बताएं इसका टेस्ट वगैरह के बारे में। अच्छा, तो आप भी बता दें मेरे दोस्त, आप ही लेके आए इनको, ये रिकमेंड किया मेरे ख्याल चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माजरत, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज़ाद भाई इनके फ्रेंड हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका रेस्टोरेंट है, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है।
सही। तो हम काफ़ी इसके पास आते जाते हैं। इतना नहीं बोले, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं दोस्त, इतना प्यार देख के। अच्छा जी, बहुत अच्छा निज़ाम है, खाना भी बहुत अच्छा है, काफ़ी हर चीज़ अच्छी है। आप तो यकीन करो मैं घर पे भी आता हूँ। ये सच्ची बात है या फिर दोस्ती की वजह से आप तारीफ किए जा रहे हैं? बिल्कुल एक सीरियस बात दे रहा हूँ। अच्छा। मैं घर पर भी आता हूँ, इसका कॉल करता हूँ, बोलता भाई आते वक्त कुछ ले आइए मेरे लिए। अच्छा। तो ये डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं इनको आजाद साहब? डिस्काउंट वगैरह मिलता ही है? ऐसे ही फोन करते हैं भाई, इनसे पैसे क्या लेने हैं और डिस्काउंट क्या देने? अच्छा, जब भी आप यहाँ पे जल्दी जल्दी आते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे से आए हैं। अच्छा, चलें अच्छी बात। चलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, एक्सप्लोर कराची को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।